अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकात। दोस्तों ये माजरत के साथ वीडियो लंबी होगी और लाइक लाजमी करिएगा। शादी का कार्ड बनाने की तहरीरें काफ़ी सारी हैं तो माजरत इसके लिए मैं अब कोशिश करूँगा जितनी मुख्तसर हो सके। तो सबसे पहले वाइट बैकग्राउंड सेट कर लें जल्दी से और मैं बस शायद काम ही बोलूँ, आपने बस देखते जाना है और ए बी सी डी लिख दें। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे फ़ॉन्ट ले लेना है और बिस्मिल्लाह वाला फ़ॉन्ट आपने ले लेना है। इसमें से जो बिस्मिल्लाह वाला फ़ॉन्ट है वो आपने डी लेना है। मेरे मुझे ये डिज़ाइन पसंद है, ये मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ इस बारे में, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रहा। उसके बाद आपको बिस्मिल्लाह को यहाँ पर सेट कर लें दरमियान में, इस तरह करने के बाद आपने एक प्लस पे चले जाना है और यहाँ पे इसको ख़त्म कर दें। यहाँ पे मेरे पास एक तहरीर है, मैंने लिख रखी है ताकि टाइम और भी बच जाए तहरीर लिखने में। सबसे पहले मोहतरम मुकर्मी मोहतरम जनाब अस्सलाम वालेकुम ये लिख लेते हैं। ये लिखने के बाद सबसे पहले इसका फ़ॉन्ट सेट कर लेते हैं जमील नूरी। मैं काफ़ी जल्दी बना रहा हूँ और क्या करूँ, इतनी लंबी वीडियो है। इसको यहाँ पे सेट कर लें, इसकी एक कॉपी ले लें, ये मैं आप बाद में काम आएगी। इसको यहाँ पे रखने के बाद यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट तब्दील कर लें। सिर्फ आपने मोहतरम मुकर्मी जनाब का फ़ॉन्ट आपने तब्दील कर लेना, ये पहले से इसमें मौजूद है ये वाला, तो इसको यहाँ पे रख लें। उसके बाद आपने क्या करना है, जो दूसरी तहरीर है वो ले लें, तारीफ उस खुदा की जो खिलाता है फूलों कलियां और जोड़े, ये जो भी आप तहरीर पढ़ लीजिएगा। अब ये देखें मैंने इसकी कॉपी कर दी है और वहाँ पर रख दिया। आप फ़ॉन्ट तब्दील करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप फ़ॉन्ट खुद ब खुद तब्दील हो जाएगा वो जमील नूरी नस्तली। अब इसको यहाँ पे सेट कर लें, इसमें ये अनकरीब आ गया, इसको मिटा दें, इसको थोड़ा छोटा कर दें और यहाँ पे रख दें। उसके बाद आपने क्या करना है, आमीन जो है इसका रंग तब्दील कर दें। यहाँ पे रंग वाला ऑप्शन है, कलर वाला, यहाँ पे हर चीज़ को सिर्फ आमीन को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद ये शेप ले लें आप गैलरी से, मैंने पहले से सिलेक्ट कर लिए ताकि टाइम बच जाए। इसका बैकग्राउंड कलर रेड कर दें, ये सारी मैं आपको तस्वीरें दे दूंगा। और इसके बाद इसको यहाँ पे सेट कर दें। उसके बाद आपने बरखुरदार लिख के इसके अंदर आपने आराम से यहाँ पे बरखुरदार लिख के आपने फिट कर देना। उसके बाद आप यहाँ पे दूल्हे के नाम सेट कर लेना तहरीर पे, जो भी आप दूल्हे का नाम रखना चाहते हैं, ये जो भी दूल्हे का नाम है वो यहाँ पे रख लें और इसका स्ट्रोक वगैरह सेट कर लें ताकि ये दूल्हे का नाम थोड़ा अच्छा या मुनफरिद लगे। उसके बाद ये सलमा लिख लें, सलमा लिख के इसकी पोजीशन आप आराम से यहाँ पर सेट कर लें। और उसके बाद क्या करना है, आपने यहाँ पे एक वाव है उल्टा, इसको ले लें और इसको भी आप सेट कर लें सलमा के ऊपर, उल्टा वाव को।
उसके बाद ये तहरीर ले लें जो मैं ले रहा हूँ, ये आप देख लें। और इसका फॉन्ट भी जमील नूरी ले लें। और उसके बाद यहाँ पे इसकी तहरीर सेट करके दो लाइनें बनानी है, दो लाइनें बना के इसको आपने यहाँ पे रख लेना। और इसका रंग आपने ब्लैक रख देना है। और इधर से थोड़ा बी वाले बटन से थोड़ा मोटा कर देना। उसके बाद गैलरी से आपने फिर फ्रेम ले लेना है। ये फ्रेम भी मैं आपको दे दूंगा, ये मेरे पास काफ़ी सारे फ्रेम हैं, मैं ये वाला फ्रेम ले रहा हूँ। इसको ले लेना है। और इसको लेने के बाद आपने इसको यहाँ पे सेट कर देना है। और तहरीर जो मैंने लिखी हुई है पहले से, मैं वहाँ से ले लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे तहरीर लिख लेता हूँ। और वो जो तहरीर है यहाँ पे आ गई है, यहाँ पे सेट कर लें। इसको अगर आप छोटा करना चाहते हैं कर ले, और इस तहरीर को फ़िलहाल थोड़ा नीचे कर लेते हैं, इसको यहाँ पे रख दें। और इस तहरीर को दरमियान में रख दें। और इसका कलर आप कोई भी रखना चाहें रख सकते हैं, मैंने यही रख दिया। और इसको यहाँ पे बी वाले बटन से मोटा कर दें। एक तरफ आपने मुतमन्नी शिरकत लिख के नीचे जुमला अजीज़ वक़ार व दोस्त लिख लेना, दूसरी तरफ मुतमन्नी चश्मे बरा के नीचे ये, और मुतमन्नी शिरकत नीचे जो भी आप नाम लिखना चाहें वो नाम लिख के, और नामों का रंग आप काला रख दें और यहाँ पे सेट कर दें। उसके बाद मेरे पास एक गैलरी में फूल है, मैं ये फूल ले लेता हूँ, आपको भी दे दूँगा। ये आपने फूल ले लेना। और इस फूल को लेने के बाद इसका सफ़ेद कलर आपने इरेज कर देना, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कैसे करते हैं। और इसको दरमियान में यहाँ पे आप लोगों ने सेट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, एक और शक्ल है, ये सारी मैं आपको दे दूँगा, ये वाली इसको ले लें। और इसका भी बैकग्राउंड वाइट को हटा दें। और इसको आप लोगों ने यहाँ पर छोटा करके यहाँ पे रख दें। उसके बाद आपने प्रोग्राम लिख लेना है। और प्रोग्राम लिखने के बाद इसके ऊपर छोटा सा इंशाल्लाह लिख लेना है। इसका फॉन्ट आपने ये मौजूद है पहले से ही, ये वाला सिलेक्ट कर लें। और इंशाल्लाह को इसके ऊपर छोटा सा सेट कर देना है। इंशाल्लाह को रंग वगैरह आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। उसके बाद आप ये तहरीर जो मैं लिख रहा हूँ, वक्त की पाबंदी अजीम लोगों को शेवा, ये लिख दें। और इसका फॉन्ट भी वही सेट कर दें, जमील नूरी। और इसको लिखने के बाद इसको यहाँ पे छोटा सा लिख दें। और इसको थोड़ा बोल्ड कर दें। और इसका रंग मैं लाल रख रहा हूँ, आप जो मर्ज़ी रख दें।
उसके बाद आपने दावत वलीमा रवानगी बरात ये लिख के तहरीर यहाँ पे, और इनके दरमियान में थोड़ा फासला बढ़ा देना। फासला बढ़ाने के बाद आपने क्या करना है, इनके सामने जो भी वक्त है, मिसाल के तौर पे सुबह 10 बजे बारात की रवानगी है और दावत वलीमा दोपहर को 2 बजे या शाम को 6 बजे है, तो ये आप लिख के लिखने के बाद आपने सामने सेट कर देना जिस तरह मैं कर रहा हूँ, और उसके बाद इसका कोई भी मुनासिब सा फ़ॉन्ट आप ले लें। और इसको थोड़ा छोटा कर दें। इतना सब काम करने के बाद इस सब को मर्ज कर दें, ये जितनी भी तहरीर है पहले ताला लगा दें, ताला लगाने के बाद ये नीचे जो बटन नज़र आ रहा है इसको दबाएं, फिर इन सब को दबा दें। और यहाँ से मर्ज कर दें। अच्छा, मर्ज करने के बाद आपने फिर जमा में गैलरी में एक तस्वीर है वो ले लेनी है। ये कार्ड वाली, इसको यहाँ पे रख लेना है, और ये जो नीचे तहरीर है इसको सेलेक्ट करके टू फ्रंट कर लें, और उसके बाद इसको छोटा कर दें, छोटा करके यहाँ पे रख दें। तो ये आपका कार्ड तैयार हो गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक लाजमी कीजिएगा, इतनी मेहनत की है। शुक्रिया।